स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि मैंने संदेश दिया था, सूचना दिया था कि हमारी उत्तराखंड से उज्जैन इंदौर ओंकारेश्वर की ओर हम यात्रा कर चुके थे, लेकिन ईश्वर का खेल कहें या लीला या प्रकृति की अनुकंपा, हमारी गाड़ी जो है वो ख़राब हो गई। गाड़ी की गैसकेट ख़राब होने की वजह से और देर शाम होने के कारण हमको एटा शहर में एक होटल की शरण लेना पड़ा। और आज देखिए गाड़ी ठीक होगा, कराया जाएगा देर शाम तक। तब तक आपके लिए एक बड़ी मज़ेदार योग प्रक्रिया का प्रदर्शन दिखवाते हैं। जो लोग बजरोली करना चाहते हैं लेकिन उनको पता नहीं होता है कि बजरोली करने से पहले क्या करें, वो मैं आज आपके लिए, जो हमारे योग साधक हैं, योग प्रेमी हैं, भाई बंधु हैं, मैं उनके माध्यम से आपको वो प्रयोग दिखवाऊंगा। और ये प्रयोग आप अपने घर बैठे कर सकते हैं बड़ी आसानी से। जिन जिज्ञासुओं की, योग साधकों की बड़ी इच्छाएं थीं कि गुरुदेव आप हमें बजरोली सिखाइए। कई सारे लोग तो बजरोली को जानते भी नहीं। आपकी जानकारी को बता दूं कि बजरोली वो विधा है योग की जिसमें आप अपने पेनिस मार्ग से या वेजिना मार्ग से आप कोई भी तरल पदार्थ को सकिन कर सकते हैं, अर्थात अपने योनि और लिंग से आप तेल, पानी, दूध इत्यादि इत्यादि पदार्थों का आकर्षण कर सकते हैं, अपने बॉडी के अंदर इनहेल कर सकते हैं। उससे क्या होगा, उससे ये होगा जब परस्पर स्त्री पुरुष संभोगिक मुद्रा में होते हैं तो उनका ऊर्जा छीण नहीं होता है, सरप्लस एनर्जी पे उनका नियंत्रण आ जाता है और जिसकी वजह से उनकी कामुकता पे नियंत्रण हो जाता है। फिर उनकी लोलुपता ये नहीं रहती है कि बार बार सेक्स करो, चार बार करो, दो बार करो या दिन भर लगे हुए हैं। एक ही बार को इतना लंबा करो ना, एक ही बार को इतना लंबा करो कि महीनों सेक्स करने की ज़रूरत ना रह जाए तुम्हारे लिए। गुरु गोरखनाथ ने कहा है कि भगविच वीर अग्नि विच पारा, गोरख कहे सो मित्र हमारा, अर्थात जैसे कि अग्नि में डालने पे पारा नष्ट हो जाता है और योनि में लिंग डालने से आपकी ऊर्जा नष्ट हो जाती है। तो एक वैद्य लोग ऐसी रासायनिक प्रक्रिया करते हैं कि पारा पे वो लेप करते हैं, उसको इस तरह से निर्मित करते हैं कि फिर वो अग्नि में जलता नहीं है। ठीक इसी प्रकार से बजरोली मुद्रा वो मुद्रा है योग की महान मुद्राओं में से कि आप अपने काम ऊर्जा पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम आपको वही दिखवाएंगे कि उसका पूर्व अभ्यास कैसे करें और आप इसका एंजॉय करें, ये यूज़ करें अपने। कोई दिक्कत हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। प्रणाम, मैं योग साधक संजय सोनी फ्रॉम मध्य प्रदेश नर्मदा निवासी आप सभी यूट्यूब प्रेमियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं कई महीनों से गुरुदेव से मिलना चाहता था, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो देख रहा था और गुरुदेव के व्यक्तिगत टच में भी था और किसी कारण से ये लॉकडाउन की वजह से मिलना नहीं हो पाया और अब भगवान महाकाल की कृपा से मैं गुरुदेव से मिल रहा हूँ। पिछले 3 दिनों से गुरु जी की शरण में हूँ और गुरु जी को सम्मान और विनयपूर्वक मैं नर्मदा क्षेत्र में लेकर आ रहा हूँ ताकि मध्य भारत और दक्षिण भारत के लोगों को गुरु जी के ज्ञान और विज्ञान का जो गहरा प्रयोग है उसका लाभ मिल सके।
जैसा कि आपने ये देखा, ये नौली उत्थान प्रक्रिया होती है, नौली चालन प्रक्रिया होती है और नौली को इसी तरह चलाएं। लेकिन नौली उठती कैसे है? नौली उसकी उठेगी जिसका पेट कम है, और जिसका पेट लटका हुआ है उसकी नौली कदापि नहीं उठ सकती है। तो सबसे पहले अपने पेट की चर्बी को कम करो, पेट अंदर चला जाए, तो इससे बहुत सारे लाभ होंगे, गैस नहीं बनेगी और भूख प्यास अच्छा लगेगा, कई चीज़ों में लाभ मिलेगा और काम ऊर्जा पे नियंत्रण में सुविधा मिलेगा। अब करना क्या है आपको? पहले उड्यान बंध का प्रयोग करना है। उड्यान बंध कैसे लगाया जाता है, आप YouTube पे कोई भी डाल दो, किसी भी साधु महात्मा योग साधक की वीडियोस मिल जाएंगी आपको। और उसके बाद में फिर नौली उत्थान का आप अभ्यास करें। साइकोलॉजिकल आपके लिए एक बल देना होता है, और आप ऐसा अभ्यास कम से कम 10 से 20 बार रोजाना सुबह खाली पेट करें। इसके लिए आपका पेट का साफ होना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए आप, जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पंच सकार चूर्ण चाय का एक चम्मच रात्रि में खाना खाने के 1 घंटे 40 मिनट बाद करीब करीब आप उसको अंतिम भोजन के रूप में 1 गिलास गुनगुने पानी से लीजिए और पेट को कम करो, चाहे दौड़ के करो, चाहे कुछ भी करके करो। तो फिर मिलता हूँ आपके साथ नई जानकारी देने के लिए। ओम शांति। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो हमारे योग के प्रेमी है, योग की संस्कृति है, वो विश्व में व्याप्त हो और उससे लोगों को शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक विकारों पर विजय प्राप्त हो और काम ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त हो, जिससे जब काम ऊर्जा पर नियंत्रण प्राप्त होगा तो समाज में नारी के उत्पीड़न की जो घटनाएं हैं, नारी का जो यौन शोषण और यौन लोलुपता की जो प्रवृत्ति है वो खत्म होगी, नारी का सम्मान बढ़ेगा और आपका पारिवारिक जीवन बेहतर चलेगा। क्योंकि काम ऊर्जा पे नियंत्रण ना होने के कारण आप मिनट, 2 मिनट में, आधे मिनट में आउट हो जाते हैं और औरत की नज़र में गिर जाते हैं। फिर पता है क्या होगा, तुम्हारी औरतें इधर उधर ताका झांकी करेंगी। और बहुत से आदमी भी ऐसे होते हैं, औरत ना भी ताका झांकी करें तो फिर इधर उधर जो है वो टेस्ट लेते घूमते हैं यौन सुखा। तो इस प्रक्रिया में आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो घर पे बैठ के आप ये अभ्यास करें, लेकिन आगे के जो प्रयोग हैं वो खतरनाक हैं, उसके लिए डायरेक्ट संपर्क ही करना होगा ऐसे गुरु या आचार्य के टच में, जिससे कि आप निर्विवाद रूप से आप अपनी साधना को, बज्रोली की साधना को संपन्न कर सकें। एक चीज़ ध्यान रखना, बज्रोली साधना करने मात्र से ही कुछ नहीं होता, वो तो नीचे के चक्र पर आपका विजय प्राप्त होगा, लेकिन इसको फिर डाइवर्ट कैसे किया जाए मूलाधार से सहस्रार तक, तो उसके बहुत आगे आगे डीप टू डीप है। फिर मिलूंगा नई जानकारी के साथ। ओम शांति।